यहाँ पे एक बहन आई है, उनसे पूरी तरीके से हम जानते हैं, रूबरू होते हैं इस मंदिर से। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज का हमारा यार इससे महाकाल की नगरी में भाई हुआ था, और जैसा कि आप देख सकते हैं यहीं पे मैं रात में स्टे किया था, और यहाँ से एक प्रॉपर भैया मुझे मिल चुके हैं जिनके साथ मैं आज सफर करने वाला हूँ। पूरा बरेली भैया के साथ मैं घूमने वाला हूँ। तो ये है कि आज मैं पूरा बरेली विजिट करने वाला हूँ, उसके बाद जो जो यहाँ का भाई फेमस जगह है पूरा आपको पूरी तरीके से हम रूबरू करवाएंगे। दोस्तों जैसे ही यार भैया को पता चला कि मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ, भैया अपनी स्कूटी लेकर आए हैं और प्रॉपर तरीके से आज मुझे पूरा बरेली विजिट करवाएंगे, पूरी बरेली घुमाएंगे। तो भैया का यार धन्यवाद, उसके साथ हम निकलते हैं। तो फाइनली दोस्तों मैं एकता नगर मंदिर से निकल चुका हूँ और अपना सफर यार बरेली के लिए कंटिन्यू करता हूँ। वैसे भैया चल कहाँ रहे हैं, किस मंदिर पे? हम सबसे पहले अब पहुँचेंगे बाबा टिबरीनाथ मंदिर पे। तो फाइनली दोस्तों बरेली के बाबा टिबरीनाथ धाम पे हम पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये यहाँ का धाम है, और भाई यहाँ भोलेनाथ जी का बहुत ही बड़ी भव्य तरीके से यहाँ प्रतिमा बनाई गई हुई है, और पूरी तरीके से हम आगे चलते हैं और आपसे रूबरू करवाते हैं। दोस्तों बाहर से नजारा आप देखेंगे कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, और हम बेशक चलेंगे अंदर और पूरी तरीके से आज इस मंदिर के बारे में रूबरू आपसे जरूर करवाएंगे। तो फाइनली दोस्तों मेन गेट ये है, यहाँ से हम अंदर एंट्री करते हैं और यहाँ का जो नज़ारा हो रखा है पूरी तरीके से आपसे रूबरू करवाते हैं। और यहाँ बरेली की सबसे फेमस मंदिर ये है। मैं अपना यहाँ पे शूज निकाल देता हूँ, उसके बाद अंदर चलता हूँ और अंदर के जो दर्शन है पूरी तरीके से यहाँ का दर्शन करते हैं। दोस्तों इन्हीं भैया के साथ मैं यहाँ पे आया हूँ। जैसा कि यहाँ की आप प्रतिमा देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ पे आपको एक से एक प्रतिमा देखने को मिल जाएगी, बहुत ही शानदार ये बनाई गई हुई है। और त्रिवटीनाथ मंदिर कार्यालय है ये, जो कि पूरी तरीके से बरेली शहर में स्थित है, और यहाँ पे आप एक से एक दृश्य, एक से एक नज़ारा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बहुत ही भव्य तरीके से इसका निर्माण किया गया है, और मुख्य द्वार मंदिर का देखेंगे तो वहाँ पे बना हुआ है, और हम मुख्य द्वार पे चल के आपको पूरी तरीके से मंदिर से दर्शन करवाते हैं। बोलिए। मंदिर के एंट्री गेट पे पहुंच चुका हूं, और जैसे कि देख सकते हैं मेन गेट यही है, और अंदर चलते हैं, अंदर पूरी तरीके से आपको दर्शन करवाते हैं। यहाँ पे हम दर्शन कर चुके हैं, वैसे यार किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, इसी वजह से हम अंदर में आपको कुछ बोले नहीं, वहाँ पे कुछ आपको रूबरू वहाँ से वैसे चित्र से पूरी तरीके से करवा दिए, लेकिन एक 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 जगह जो है पूरी तरीके से यहाँ पे रूबरू हम आपको करवाएंगे। उसके बाद एग्जिट गेट जो है ये यहाँ से है, आप उधर से एंट्री करेंगे और इस साइड से करेंगे। और जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी प्रतिमा बहुत शानदार तरीके से बनाई गई है, महाकाल की प्रतिमा बनाई गई है, और जैसा कि आप देख सकते हैं ओम नमः शिवाय, जय बाबा त्रिवटीनाथ, हर हर महादेव, हर हर महादेव भाई। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे स्ट्रक्चर पूरी तरीके से बनाया गया हुआ है भाई। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे सूर्य जल बनाया गया है, जो कि यहाँ पे लोग आते हैं और यहाँ पे दोस्तों आके सूर्य को जल चढ़ाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं पूरी तरीके से। दोस्तों उसके साथ साथ थोड़ा आगे बढ़ते हैं यार, एक से एक नजारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वैसे मैं बरेली में पहली बार आ रहा हूँ, लेकिन यहाँ का जो सीन है भाई बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है, बहुत ही शानदार तरीके से लग रहा है, और इतना है यहाँ पहुंचने के बाद बहुत ही मन को शांति मिल रही है। महादेव के दर्शन करने के बाद भाई हम जरूर पूरी तरीके से रूबरू और करवाएंगे आपको। और यहाँ की प्रतिमा आप देख सकते हैं कितनी सुंदर तरीके से यहाँ पे बनी हुई है, जो महादेव की पूरी फैमिली है भाई यहाँ पे पूरी तरीके से आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों इसको बैक से नज़ारा देखेंगे, पीछे से नज़ारा देखेंगे, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। और सबसे शानदार मुझे ये लगा कि वाटिका सरोवर, जो कि मंदिर के अंदर में है, और बहुत ही गजब लग रही है, बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे, अच्छा लाल कमल, इसमें भाई लाल कमल भी होता है, और छोटी सी वाटिका है आप देख सकते हैं सरोवर वाटिका, और यहाँ पे एक से एक फूल आपको देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों बरेली में इससे भव्य मंदिर आपको देखने को नहीं मिलेगा, और चारों साइड से आप इसको देख सकते हैं, इस मंदिर को देख सकते हैं, मंदिर की खूबसूरती को देख सकते हैं, किस तरीके से इसका निर्माण किया गया है, और जो यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन किया गया है ये मंदिर के बारे में ही बताया गया है, और महादेव की पूरी फैमिली आपको यहाँ पे एक ही जगह पे देखने को मिल जाएगी। एंट्री करने वाले यहाँ के भव्य नज़ारे जो हैं, यहाँ के बहुत ही खूबसूरत जो नज़ारे हैं, यहाँ पे हम अब वहाँ पे एंट्री करने के लिए जा रहे हैं, और चलते हैं अंदर में, और अंदर में यहाँ का जो नज़ारा हो रखा है पूरी तरीके से आपसे रूबरू कराते हैं। और जैसा कि आप यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं, यहाँ पे भाई बजरंग बली जी की प्रतिमा लगी हुई है, और यहाँ सारे आप देख सकते हैं यहाँ महाकाल जी की टोटल प्रतिमा लगाई, महाकाल बजरंग बली, ऐसे यहाँ पे ढेर सारी प्रतिमाएं लगी हुई हैं, और यहाँ पे भाई श्रद्धालु लोग काफ़ी ज़्यादा दर्शन करने के लिए आते हैं, और जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लोग बैठ के यहाँ पे दर्शन करते हैं, और यहाँ पे जो प्रोग्राम होता है उसका पूरी तरीके से आनंद लेते हैं,
और यहाँ पे श्रद्धालुओं की भाई कमी नहीं, बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं। और वैसे ये है कि पूरी तरीके से मैं यहाँ पे आपको पूरी आवाज़ में भाई वीडियो यहाँ की नहीं बना सकता, क्योंकि यहाँ पे श्रद्धालु लोग जो दर्शन करने के लिए आए हैं उनको नहीं तो डिस्टर्बेंस होगा। दोस्तों तिरुवटी नाथ मंदिर का पूरी तरीके से हम दर्शन कर चुके हैं, उसके बाद अब निकलते हैं अलकनाथ मंदिर के साइड में। तो यहाँ का हमारा सफर कंप्लीट होता है और निकलते हैं अलकनाथ मंदिर के साइड में। और दोस्तों बरेली की सुंदरता को देखते हुए हम पहुँच चुके हैं अब अलकनाथ धाम, जो कि बरेली में बहुत ही भव्य तरीके से यहाँ पे आपको बजरंगबली जी की मूर्ति प्रतिमा देखने को मिल जाएगी, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। वैसे यार बरेली में आप आइए तो विजिट करके जरूर जाइए, बहुत ही शानदार तरीके से बहुत ही भव्य तरीके से यहाँ पे बजरंगबली जी की प्रतिमा बनाई गई हुई है। तो ये यहाँ की मुख्य मंदिर है और जैसे कि देख सकते हैं बालाजी महाराज लिखा हुआ है और अलकनाथ धाम यह मंदिर है। और अंदर चलते हैं और यहाँ से भाई प्रसाद वितरित करते हैं और चंदन टीके सब लगवाते हैं, फिर उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। तो जैसे जैसे नाथ की नगरी में एंट्री हम कर रहे हैं, हमें एक से एक यूनिक चीज देखने को मिल रहा है और बहुत ही शानदार तरीके से ये बरेली जो है, बरेली जो शहर है, बहुत ही शानदार तरीके से इसका निर्माण किया गया है। दोस्तों नाथ की नगरी में एंट्री कर चुका हूँ तीसरे मंदिर पे और मैं पहुंचा हूँ इस समय मणिनाथ मंदिर पे। जैसे कि आप यहाँ का हिस्ट्री जो हो रखा है आप यहाँ पे देख सकते हैं और उसके साथ हम मंदिर में एंट्री करते हैं और यहाँ का क्या नजारा हो रखा है, क्या सीन हो रखा है, पूरी तरीके से हम आपको रूबरू करवाते हैं। भाई शिवलिंग है, शिला है, आप देख सकते हैं छोटी छोटी यहाँ पे शिवलिंग बनाई गई है, शिला बनाया गया हुआ है उसके। और मेन मंदिर वो सामने है, जो कि आइए हम मेन मंदिर यहाँ पे जो तीसरे मंदिर पे हम एंट्री कर चुके हैं ये भी आपको विजिट करवा दे पूरी तरीके से। और बरेली को कहा जाता है भाई नाथ की नगरी और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे शिवलिंग पे हम पहुँच चुके हैं और यहाँ पे महाकाल का नाम लेते हैं और उसके बाद दर्शन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बजरंग बली जी की प्रतिमा है, जय बजरंग बली, और हम एंट्री करते हैं और देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके से हो रखा है कि भाई इतना श्रद्धा होनी चाहिए, मंदिर हो या ना हो, कोई धार्मिक स्थल हो या ना हो, छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन सबसे बड़ी चीज होती है अगर मन में दिल में श्रद्धा है तो भाई इससे बड़ी कोई बात नहीं। तो कोई ना दोस्तों यहाँ से हम अपना सफर आगे के लिए बढ़ते हैं और नाथ की नगरी जो है पूरी तरीके से आपको रूबरू करवाते हैं। हम आ चुके हैं नाथ नगरी पांचवे चौथे मंदिर पे, जैसा तपेश्वर नाथ मंदिर है और इसे अंदर एंट्री करते हैं और बहुत ही शानदार तरीके से भाई ये बनाया गया, बहुत ही 5000 पुराना इतिहास इसका है, बताया जाता है 5000 साल पुराना इतिहास है। और अंदर चलते हैं, अंदर का नजारा क्या हो रखा है पूरी तरीके से आपको दिखाते हैं। दोस्तों लोगों द्वारा बताया जाता है कि ये तप किया हुआ मंदिर है, पूरी का मेन गेट जो हो रखा है ये है तपेश्वर नाथ मंदिर महादेव देव जी की, सुभाष नगर नाथ नगरी बरेली का सीन ये है। और जैसे कि देख सकते हैं आइए अंदर चलते हैं और अंदर का नजारा क्या हो रखा है पूरी तरीके से आपको दिखाते हैं और दर्शन करवाते हैं। अंदर एंट्री करते हैं और यहाँ पे आप शिवलिंग देख सकते हैं, जगन्नाथ की नगरी में शिवलिंग आप देख सकते हैं और उसके साथ यहाँ पे एक बहन आई है यहाँ पे जल चढ़ाने के लिए, जैसा कि देख सकते हैं। और यहाँ का पूरा नजारा आप देखेंगे कुछ इस तरीके से हो रखा है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रतिमाएं ढेर सारी लगाई गई है। और ये तो दोस्तों यहाँ पे एक बहन आई है, उनसे पूरी तरीके से हम जानते हैं, रूबरू होते हैं इस मंदिर से। तो बहन आप बताएंगे किन किन लोगों की प्रतिमाएं, कौन कौन से भगवान की प्रतिमाएं यहाँ पे बनी है। जैसे कि आप जानते हैं कि ये बाबा तपेश्वर नाथ है और ये शिव परिवार है, तो आइए आप देखिए ये बाबा नाथ नगरी का तपेश्वर नाथ है और गणेश भगवान जी हैं, ये गणेश भगवान जी हैं और ये हमारे नंदी महाराज हैं और ये माता पार्वती हैं, भगवान के ध्यान में हैं और ये भगवान कार्तिकेय हैं। ओके तो बहन का बहुत बहुत धन्यवाद, उसके बाद पूरी तरीके से नजारा यहाँ का अंदर का हम आपको दिखा रहे हैं और उसके साथ हम भी दर्शन कर चुके हैं और भाई बाहर निकलते हैं। तो बहन की वजह से भाई हम भी यहाँ का पूरा प्रॉपर तरीके से दर्शन कर चुके हैं और चढ़ा चुके हैं, इसके साथ साथ दोस्तों बाहर निकलते हैं और नाथ नगरी में जो जो है अभी बचा हुआ पूरी तरीके से एक्सप्लेन करते हुए बरेली को दिखाते हैं। थैंक यू। आगे बढ़ रहे थे, माता जी प्रसाद दे रही है, माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद मंदिर यार बंद हो चुकी लेकिन माताजी प्रसाद दे, माताजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। द्रौपदी के टाइम का उनके गुरु धूम ऋषि जो तालाब के ऊपर में उनकी मूर्ति है जी माताजी, उनने यहाँ ये जंगल था पूरा इसमें तप किया तो यहाँ ये वो है, तो इनकी स्थापना उनने की थी जी। ओके ये पुराना मतलब लगा द्वापर युग कहेंगे। ओके दोस्तों ये देख सकते हैं द्रौपदी जी के जो गुरु थे ध्रुव ऋषि, जैसे कि आप सामने प्रतिमा देख रहे हैं ये उन्हीं की प्रतिमा लगाई गई हुई है और पूरी तरीके से इन्हीं के द्वारा ही इस मंदिर का निर्माण किया गया है। दोस्तों वैसे पूरी तरीके से यहाँ पे दर्शन कर चुके हैं, उसके बाद एंट्री करते हैं बाहर और यहाँ
बाहर निकलते हमारे एक परम मित्र मिल गए जो कि आज उन्हीं के पास मैं रुकने वाला हूं। तो आज का जो हमारा सफर है यहीं पे समाप्त होता है। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।